सीधा सूख गए होंगे। अरे दोनों गाड़ियों की सफाई हो गई, रेडी हो रही है भाई आज के ट्रिप के लिए। आज एक्चुअली जहाँ जाना है वो पास में है, तो मतलब रास्ते का जो टाइम है वो बचेगा, रास्ते का टाइम बचेगा। तो हमने क्या हुआ, कल हमको क्योंकि लेट लौटे थे तो जो नींद वींद का सिस्टम है उसे पूरा करने के लिए आज हम सुबह लेट जगे, बहुत लेट जगे भाई। सब लोग आराम से जगे, तैयार तैयार होने में आज इतना टाइम वेस्ट किया है कि अभी 10 बज गए और गाड़ी दोनों पुछाई अभी हो रही है, 10 बजने के टाइम पे पहुंची जा रही है भाई। अंदर सब लोग तैयार हो रहे हैं और आराम से निकलेंगे, तो मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा और लग जाएगा। आज पुष्कर जाना है और वहाँ आसपास जो जगह होंगी वो एक्सप्लोर करेंगे पुष्कर के साथ में। अब क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं ये तो आपको आगे वीडियो में ही देखना पड़ेगा भाई, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी सब लोगों को, मुझे ऐसा आशा है, उम्मीद है। बैठो 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 भाई, जल्दी जल्दी बैठो। कहीं दिक्कत हो लाइव लोकेशन वो कर लियो फॉलो, ठीक है। राधे ये जगह भी काफ़ी ऊंचाई पे है, ये सती माता का मंदिर है भाई, कोई यहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ रोप वे भी जाता है और सीढ़ियाँ भी हैं, पर हम थोड़े से लेट हो गए भाई, आज हमने गलती करी लेट निकल के। और हुआ क्या, 10 बजे, 10:15 बजे सवा दस बजे के करीब निकले घर से और ये 12 बजे बोल रहे हैं बंद हो जाता है मंदिर, तो ये गड़बड़ हो गई। बाकी इधर ये पुष्कर है पूरा, यहाँ से भी अभी भी हम जो थोड़े से ऊंचाई पे हैं तो अच्छे सीन दिख रहे हैं, गाड़ी को थोड़ा हाइट पर चढ़ा के लेके आए। बाकी इधर के नज़ारे अच्छे हैं, मज़े तो आ ही रहे हैं, ऊपर नहीं जा पाए तो क्या, यहाँ से भी अच्छे सीन दिख रहे हैं भाई, है ना, अच्छा है। मैं तो ना पहली बार आया हूँ भाई पुष्कर, और यहाँ की गलियाँ और यहाँ का पूरा राजस्थानी माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शानदार। आ जाओ आ जाओ। चढ़ने में हालत खराब हो रही है, ये पूरा पुष्कर है पीछे, तो पूरा पुष्कर है भाई पीछे, इतनी ऊंचाई से हम चढ़ के आए वहाँ से। और ये सीढ़ियाँ देखो, दिखाता हूँ आपको एक एक सीढ़ियों की भाई, इतनी इतनी ऊंचाई है यहाँ आके, तो सांस मतलब हर दो सीढ़ियों में फूल जा रही है, बहुत गजब चढ़ाई है। नहीं।
लो पूरा पुष्कर है भाई वो बिल्कुल पास से हाथ से लंगूर खाते हैं भाई यहाँ पे। ये देखिए पास बैठे हैं, बगल में चने कोई भी खिला सकता है। गायत्री है जो उनके पास में बैठी हुई है। तो तुम्हारे चने ने क्यों तुम्हारे चने लूट के नहीं ले जाते? नहीं, नहीं। अच्छा पालतू है क्या तुम्हारे? भाई पैरों का ना बुरी तरह बैंड बच चुका है, बहुत बुरी तरह। देखो हम वहाँ पे गए, आपको पता नहीं सूरज से प्रॉपर आइडिया नहीं होगा, वहाँ पर गए और चढ़ने में लगा एक घंटा लगा उतरने में। पैरों की हालत ये है कि शाम को जाके या तो मूव लगाना पड़ेगा और या दर्द की गोली खानी पड़ेगी। ये भी जगह ऊंचाई पर हल्की सी, पर यहाँ तक कार से आ गए थे। मैंने बाहर पढ़ा इस लेक का नाम फॉय सागर लेक है और पुष्कर से आते हुए हम ऐसे पीछे घूम के आए अजमेर के लिए। इधर इधर अजमेर है तो रास्ते में ये फॉय सागर लेक पड़ी है और काफ़ी सुंदर है, शानदार है वो, मन अच्छा लगा। यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, ये मछली पकड़ रहे हैं, हो सकता है इसमें पालते होंगे मछली। बाकी इसमें कुछ निशान पड़े हैं इनके, क्या है पता नहीं है। अच्छा लग रहा है। भाई अजमेर का हमें पता चला जी, अजमेर का बहुत ही पुराना और फेमस चाट वाला है। अब इस पर क्या क्या मिलता है ये तो पता नहीं, पर बहुत फेमस बताया गया है। भाई बहुत फेमस है ये। और अभी मैं वीडियो बना रहा था, मुझसे कह रहा क्या हुआ भाई क्यों वीडियो बना रहे हो, अभी देखते हैं खाएंगे तब पता चलेगा टेस्ट। ये फेमस दाल की कचौड़ी है इनकी, दाल की नहीं दाल की कचौड़ी प्लस कढ़ी के साथ, अच्छा है। सबको कचौड़ी का नाश्ता और एक दो लोगों ने पकौड़े, पर थोड़ा हल्का अच्छा लग गया, मतलब पेट को वजन बढ़ गया पेट में।
सुबह के हम खाना खा के निकले तो उसके बाद कुछ खाया नहीं भाई, अब खाया है सीधे। एक बच्चे की तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है हमारी की, उसको कुछ चीज़ को लेके देने। जय बंद कर दीजिए।